हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ DFA, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं DFA, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यहां पे क्या है कि अगर मेरे पास ऑटोमेटा के अंदर एक स्टेट है क्यू नॉट, और क्यू नॉट पे मैंने कोई भी स्ट्रिंग अप्लाई किया, क्यू नॉट पे मैंने कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया, लेट से मैंने अप्लाई किया ए, चाहे ए करो बी सी कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया, तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा। अब वो स्टेट कौन सी होगी, Q1 भी हो सकती है, Q2 भी हो सकती है, Qn हो सकती है, Q नोट भी हो सकती है, लेकिन एक स्टेट होगी, ये फिक्स्ड है। और जहां पे ये चीज फिक्स्ड हो जाए उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक, जो कि NFA के केस में नहीं होता, क्योंकि NFA के केस में हमारे पास Q1 पे भी जा सकती है, Q2 पे भी जाएगी, Q3 पे, मल्टीपल स्टेट्स में भी जा सकता है, हो सकता है वो नल स्टेट में जाए, हो सकता है मतलब किसी भी स्टेट पे ना जाए। तो ये मल्टीपल चॉइसेस होती हैं NFA के केस में, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब है कि अगर आप एक स्टेट पे कोई भी अल्फाबेट अप्लाई करते हो तो वो आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टेट पे लेके जाएगा। तो ये फंडा है डिटर्मिनिस्टिक का। और ऑटोमेटा क्या है, ऑटोमेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ऑटोमेटा को हम क्या बोल रहे हैं, एक मशीन है जो एक्चुअल में लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेशन को यहां पे हम यूज कर रहे हैं। मतलब लैंग्वेज को अगर हमने स्टैंडर्ड वे से रिप्रेजेंट करना है, चाहे मेरी लैंग्वेज फाइनाइट है चाहे मेरी लैंग्वेज इनफाइनाइट है, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या यूज करता हूं, ऑटोमेटा को यूज करता हूं। तो ऑटोमेटा एक मशीन है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो एक्चुअल में बताती है कि क्या ये लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं हम क्या, एक्चुअल में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और DFA को हम डिनोट कैसे करते हैं, DFA को हम डिनोट करते हैं इन पांच सिंबल से, इन पांच टपल से हम एक्चुअली डिनोट करते हैं। तो इसको एक्चुअल में हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले है क्यू, कैपिटल क्यू का यहां पे मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, मतलब आपकी मशीन के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स होंगी। स्टेट्स का मतलब क्या है कि एक स्टेट मतलब स्टार्टिंग स्टेट से आउटपुट में जाने के लिए आपने कितनी बीच में ट्रांजिशंस की, कितनी स्टेट्स पे आप गए, तो वो सारी स्टेट्स की कलेक्शन को हम क्यू बोलते हैं। देन हमारे पास आता है यहां पे समीशन, ये एक्चुअल में क्या, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये है अल्फाबेट, सेट ऑफ अल्फाबेट। लेट्स सपोज जो हम कॉमन लेते हैं, जैसे हम लेते हैं ए और बी, मतलब ए पे कहां जा रहा है बी पे कहां जा रहा है, जीरो और वन भी ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ए और बी अल्फाबेट को यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है डेल्टा, ये है एक्चुअल में क्या, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि आपने एक स्टेट पे कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया ए या बी, आप कहां गए मतलब आप कहां पे पहुंच गए, उसकी आउटपुट क्या है, आप किस स्टेट पे रीच कर जाओगे, तो इस ट्रांजिशन को एक्चुअल में बोलते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करना, वो एक्चुअल में कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। देन क्यू नोट, क्यू नोट है आपकी स्टार्ट, स्टार्ट स्टेट, मतलब आपने स्टार्ट कौन सी स्टेट से की है, वो होती है हमारी जनरली क्यू नोट। और एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनाइट फाइनल स्टेट। अब कहने का मतलब यहां पे क्या है कि जनरली हमारे पास फाइनल स्टेट हम एक ही लिख के चलते हैं, फाइनल स्टेट मतलब जहां पे आपके जाके स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जहां पे जाके आपका जो है आउटपुट जनरेट होगा वो होगी आपकी फाइनल स्टेट। लेकिन कई बार हमारे पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स भी पॉसिबल है, तो इसको हम जनरली क्या लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट्स। लेकिन जितनी भी फाइनल स्टेट्स होंगी वो याद रखना, टोटल स्टेट्स आपके पास कितनी है, क्यू, तो यानी फाइनल स्टेट जो होंगी वो सबसेट होगा किसका, क्यू का। ऑब्वियसली फाइनल स्टेट जो है वो क्यू से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स है वो है क्यू, तो फाइनल स्टेट या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्यू, मतलब सारी की सारी फाइनल स्टेट है, अदरवाइज कुछ ना कुछ कम होंगी, तो आप कह सकते हो कि एफ इज अ सबसेट ऑफ ऑल स्टेट्स, दैट इज क्यू।
कई बार इस पॉइंट इस ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स जो है वो याद होने चाहिए, क्योंकि डीएफए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीओसी का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डीएफए के रिलेटेड ही आते हैं। डीएफए होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, और उसको बाद में डिजाइन करना, जो हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया इन पांचों की जो है बेसिक डेफिनेशन की ये डीएफए को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इन पांच सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज मुझे एक डीएफए बनाना है, मुझे एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है फॉर अ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज के लिए, जिसमें सारी स्ट्रिंग्स शुड बी स्टार्टिंग विद ए, मतलब वो लैंग्वेज मुझे यहां पे लिखनी है जिसके अंदर सारी स्ट्रिंग्स, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, मतलब आपको वो सारी स्ट्रिंग्स आनी चाहिए जिसका स्टार्टिंग लेटर क्या हो, ए हो। तो यानी अगर मैं इसकी लैंग्वेज लिखूं तो कैसे लिखोगे, सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी होगी, सबसे छोटी से छोटी ए इटसेल्फ ही होगी। देखो ए के अंदर स्टार्टिंग क्या है, ए ही तो है, तो ए से छोटी कोई हो नहीं सकती। इसके अलावा ए ए भी हो सकती है, ए ए ए भी हो सकती है, ऐसे जितने मर्जी बढ़ाते रहो, ए बी भी हो सकती है, ए बी बी भी हो सकती है, ए बी हो सकती है, मल्टीपल जो है वो पॉसिबिलिटी है, बट क्या बी ए हो सकती है, नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो स्टार्टिंग लेटर बी हो गया, यानी इस टाइप के जो है वो स्ट्रिंग्स नहीं होने चाहिए। तो यानी ये एक्चुअल में क्या, स्टार्ट विद ए, तो यानी ये ऑब्वियसली फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज का पार्ट है। अब इस इनफाइनाइट लैंग्वेज को मुझे रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइनिंग पार्ट। तो डिजाइन करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्यू नोट, दैट इज अ इनिशियल स्टेट। तो स्टार्टिंग स्टेट या इनिशियल स्टेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, क्यू नोट, मतलब मल्टीपल भी हो सकता है, कई जगह पे यहां पे एबीसी में भी डिनोट कर देते हैं एक्स वाई जेड, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल नोटेशन हमारे पास क्यू नोट है, और ये जो तीर हमने यहां पे लगाया, ये एरो लगाया है, ये एक्चुअल में बताता है कि ये स्टार्ट स्टेट है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेरे को चाहिए ए, मतलब कम से कम जब भी आप डीएफए डिजाइन करो ना, हमेशा याद रखना आप मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिजाइन कर लो पहले, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेना। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब वो आपको अभी समझ आ जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम क्या है, ए, मतलब कम से कम एक ए तो आना ही चाहिए। तो ये लो, एक ए अगर आता है तो हम किस स्टेट पे पहुंच गए, क्यू वन स्टेट पे पहुंच गए। तो देखो ए आया तो मैं क्यू वन स्टेट पे पहुंच गया, जैसे ही हमने यहां से स्टार्ट किया तो मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी है, ए, ए आते ही मैं क्यू वन पे पहुंच गया, और क्यू वन पे मैं इसको क्या बना देता हूं, फाइनल स्टेट बना देता हूं। क्यों, क्योंकि एक ए आते ही ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे इसने एक्सेप्ट किया तो हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो बनता जा रहा है, क्योंकि हमने क्या बनाना है, हमने ऐसा ऑटोमेटा बनाना है, ऐसी मशीन बनानी है जो स्टार्टिंग विद ए वाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर ले। तो देखो मिनिमम से मिनिमम को एक्सेप्ट कर लिया, ये है पहला स्टेप डिजाइनिंग का, कि मिनिमम से मिनिमम के लिए आप पहले बना के रख लो। अब फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब क्या है, कि क्या ये डीएफए है, नहीं, ये डीएफए क्यों नहीं है, इसका रीजन एक्चुअल में क्या है, ये डीएफए इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक डीएफए में अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं, तो लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में हमारे पास जो अल्फाबेट है वो है ए और बी। तो देखो क्यू नॉट ए के लिए तो इधर चली गई, बट बी के लिए कहां जा रही है, बी के लिए तो हमने डिनोट ही नहीं किया, तो मुझे सारे के सारे अल्फाबेट के लिए डिनोट करना पड़ेगा। तो ए के लिए क्यू नोट यहां जा रही है, बी के लिए कहां जाएगी, अगर मैं बी यहां बना देता हूं, लेट्स सपोज अगर मैं बी यहां बना देता हूं तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बी आ गया तो बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यानी मैं बी को यहां तो नहीं लिख सकता। दूसरा केस क्या हो सकता है, लेट्स सपोज मैंने सेल्फ लूप बना दिया बी का, अगर मैं सेल्फ लूप बना दूं बी को, तो देखो अगर स्ट्रिंग आती है बी ए, तो देखो बी ए कैसे चलाना, आपको स्टार्टिंग से बी आया, बी आती क्यू नोट से हम क्यू नोट पे ही रहे, और ए आते ही हम यहां पे पहुंच गए, तो ये तो एक्सेप्ट हो गई, लेकिन हमने बी ए को एक्सेप्ट नहीं करवाना, स्टार्टिंग में ए ही आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ लूप भी नहीं बन सकता और ना बी यहां पे लिख सकते, तो ऑब्वियसली मुझे बी को ट्रैप करना पड़ेगा, मतलब बी को मुझे डेड स्टेट में जाना पड़ेगा ताकि मैं वहां से वापिस ही ना आ सकूं, तो इसको बोलते हैं हम ट्रैप। मतलब हमने B के लिए एक स्टेट बना दी, लेट्स से Q नोट, और B जब भी आएगा वो Q नोट पे चला जाएगा, Q नोट से वो कहीं नहीं जा सकता, मतलब देयर इज नो पाथ टू रीच टू द फाइनल स्टेट, इसको बोलते हैं हम ट्रैप कर दिया हमने, इसको डेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया, तो डेड स्टेट में इसको हमने बना दिया। अब देखो Q नोट A पे इधर जा रही है, B पे इधर जा रही है, लेकिन Q1
Q1 कहाँ जा रही है? Q1 का तो ना A पे बनाया ना B पे बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप A और B पे सिंपल बना दो। कैसे आया ये माइंड में, कैसे आएगा कि A और B को आपको सेल्फ लूप में बनाना है? देखो स्टार्टिंग लेटर A है, A के बाद क्या है, A के बाद कुछ मर्जी हो, A के बाद A हो, A के बाद B हो, B B हो, A A हो, जितने मर्जी कोई भी कॉम्बिनेशन। तो देखो स्टार्टिंग में जब जैसे ही A आया मैं यहां पहुंच गया, अब उसके बाद A A आता है एक्सेप्ट होगा, ए बी आता है ए बी बी आता है, जो मर्जी आए वो क्या होंगे एक्सेप्ट होंगे। हमारी जो कंडीशन है कि फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए वो मेरी ट्रू होगी। और देखो क्यू नोट को भी आप सिंपल ए और बी के लिए इसी पे बना दो, क्योंकि अगर आप गलती से इसको ऊपर ले जाओगे या इधर लेके जाओगे तो ये जो है वो डेड स्टेट नहीं रहेगी, फिर कोई और हो सकता है ऐसी इनपुट जिसमें ए स्टार्टिंग में ना आ रहा हो वो भी एक्सेप्ट हो जाए। तो डेड स्टेट में हमेशा ए और बी खुद पे ही जाता है ताकि इसको हम ट्रैप रख सके, इससे बाहर नहीं आ सकते, इससे ऊपर नहीं आ सकते ना इससे कहीं और जा सकते। तो ये आपका बन गया क्या DFA, क्योंकि क्यू नॉट ए पे इधर जा रहा है, बी पे इधर जा रहा है, क्यू टू ए और बी पे इधर जा रहा है, ये भी फाइन हो गया, क्यू वन ए और बी पे इधर जा रहा है तो ये भी फाइन हो गया। तो अब आपका DFA तैयार हो गया। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, क्यू इनटू ये आपका हो गया समीशन, मतलब आपके जो अल्फाबेट है दैट इज ए एंड बी एंड इट इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग द क्यू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, क्यू आपके पास क्या है, सारी स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, और इसको मल्टीप्लाई कर दो समीशन। समीशन आपके पास इस क्वेश्चन में कौन कौन से अल्फाबेट है, ए और बी, तो अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा क्यू नॉट ए क्यू नॉट बी क्यू वन ए क्यू वन बी क्यू टू ए क्यू टू बी। सिंपल, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 × 2 = 6 अपने पास स्टेट्स बन गई। तो इस 6 स्टेट्स को हमने क्या करना है, अब क्यू क्यू यहां पे क्या है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्यू नॉट ए आता है, क्यू नॉट के ऊपर अगर ए आता है तो आप कहां जाओगे, क्यू वन पे जाओगे, तो इसको आप ऐसे डिनोट कर दो, ये आपका ट्रांजिशन बनता जा रहा है। क्यू नॉट पे अगर बी आता है, क्यू नॉट पे बी आता है तो आप क्यू टू पे चले जाओगे, तो Q2 पे बना दो। देन Q1 पे अगर A आता है तो आप Q1 पे ही हो, Q1 पे अगर A आता है तो आप कहां पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, आप Q1 पे ही रहोगे। ऐसे Q1 पे अगर B आता है तो आप Q1 पे B आते ही आप कहां पहुंचोगे, आप Q1 पे ही रहोगे। ऐसे ही अगर Q2 पे A आता है आप Q2 पे रहोगे, Q2 पे अगर B आता है तो देखो आप Q2 पे ही रहोगे। तो ये एक्चुअल में है फंडा रिप्रेजेंट करने का ट्रांजिशंस को। तो Q1 आपका Q0, Q1 और Q2 जो है इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ट्रांजिशंस, जिसको हम बोलते हैं कि एक स्टेट पे अगर मैं अल्फाबेट अप्लाई करता हूं तो आप किस जगह पे पहुंचोगे, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन। तो ये पांचों टपल्स जो है, पांचों सिंबल्स आपको क्लियर हो गए, और ये बेसिक सा एग्जाम्पल है स्टार्टिंग विद ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द DFA। थैंक यू।